एक जमाना हुआ करता था जब तारक मेहता सीरियल टीआरपी में टॉप 5 से कभी नीचे ही नहीं उतरता था। उसका सबसे मेन रीजन तो यही है कि लोगों को बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है ये शो देखने की। अगर आपको रात को डिनर करते करते तारक मेहता देखने की आदत है तो आप अकेले नहीं हो, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको ये सेम हैबिट इस शो ने डाल दिया। अब कुछ महीने पहले जहां पर तारक मेहता सीरियल की टीआरपी हमें 2.8, 2.9, 3 तक देखने को मिलती थी, वहीं आज गिरते गिरते उसकी ऑलमोस्ट हाफ 1.5 तक आ पहुंची है, जो कि अपने आप में बहुत बुरी खबर है तारक मेहता मेकर्स और ऑडियंस दोनों के लिए ही। अब टीआरपी गिरने के दोस्तों कई रीज़न हैं, जैसे कि सीरियल में कॉमेडी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, इससे ज़्यादा कॉमेडी तो आजकल ड्रामा सीरियल्स में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा सस्पेंस के नाम पे भी कुछ खास शो में नहीं हो रहा और स्टोरी में तो आजकल कोई सेंस ही नहीं बचा। तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से शो की टीआरपी में भारी गिरावट आई है। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि शो बंद होने वाला है? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि आज भी सब टीवी पर तारक मेहता सीरियल से ज्यादा टीआरपी लाने वाला कोई शो नहीं है, इतनी ज्यादा टीआरपी गिरने के बावजूद भी। तो अब कुछ सालों तक तो शो बंद नहीं होने वाला, ये बात तो पक्की है। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।